लेकिन मैं आपको फिर कहने वाला हूं कि तीसरी बार भी मोदी आएगा और पिछले आने वाले 30-40 सालों तक हमारा योगी तैयार हो रहा है, हमारा योगी तैयार हो रहा है। तो आप लोग जितना चिल्लाओगे उतना जनता को जल्दी समझ में आएगा कि ये क्यों चिल्ला रहे हैं। जब मुख्यमंत्री बजट का भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था मैं जादूगर हूँ और जादू दिखा रहा हूँ आपको। तो हम सबको पता है जादू की क्या हालत होती है, जादू में कोई सच्चाई होती नहीं है, केवल घोषणाएं की उन्होंने। और जादूगर जब अपना शो समेट के जाता है उसके बाद कुछ मिलता नहीं है, हासिल नहीं होता है, न तो कोई फूल मिलता है, न कोई दूध की गिलास मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता। और जादूगर जादू दिखा के अपने घर चला गया। आप भी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हो, मेरे को ऐसा लगता है कि सामने वाली ब्रेंचों पर बैठे हुए जो सदस्य है माननीय है, उनको ये पता नहीं है कि हम सत्ता में हैं। इनको मोदी फोबिया हो चुका है और मोदी फोबिया के कारण से इनको यही पता नहीं चल रहा हमारी जिम्मेदारियां क्या है। सारी खामियां जो देश में चल रही है या जो नहीं चल रही है वो देश की बातें कर रहे हैं। राजस्थान के बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई, आपके दो सालों की पीछे की क्या घोषणाएं हैं, उन पर क्या अमल हुआ, इन पर इन विषय पे इन माननीय सदस्यों को चर्चा करने का वक्त नहीं है। इनको मोदी मोदी मोदी, अरे मोदी ने तो जो किया है वो मोदी ने 5 साल तक राज किया और जब दूसरी बार सत्ता में आया तो बढ़ा के सीटें जीत के बहुमत से पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आया है। उस मोदी को तुम चिल्ला रहे हो, कोस रहे हो, अभी डंड बैठक लगा रहे हो, कोई कहीं नाच कूद कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन मैं आपको फिर कहने वाला हूँ कि तीसरी बार भी मोदी आएगा और पिछले आने वाले 30-40 सालों तक हमारा योगी तैयार हो रहा है, हमारा योगी तैयार हो रहा है। तो आप लोग जितना चिल्लाओगे उतना जनता को जल्दी समझ में आएगा कि ये क्यों चिल्ला रहे हैं। सत्ता की जो भूख है आपको, उस भूख के कारण से आपने जो किया है, मैं आपसे फिर आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ माननीय सभी सदस्यों से, इस सदन का जो बजट का सेशन है उस पर बजट पर चर्चा करें जिससे हमारी और आपकी सबकी जनता की भलाई हो सके।